मुरादाबाद के थाना कटघर क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब चौकी गुलाबबाड़ी से कुछ ही दूरी पर मोहल्ला वीरशाह हजारी में एक टेंट हाउस पर धमाका हो गया। धमाके की आवाज सुनकर क्षेत्र के लोग अपने अपने घरों से बाहर आए तो देखा कि टेंट हाउस की दुकान में सुभाष दुकान स्वामी घायल हो गए हैं। जब ये घटना क्षेत्र के लोगों ने देखी तो उन्होंने तुरंत पुलिस को फोन किया। फोन सुनते ही थाना कटघर प्रभारी राजेश सोलंकी और चौकी इंचार्ज गुलाबबाड़ी कृष्ण कुमार अपनी टीम के साथ तुरंत ही घटना स्थल पर पहुंचे और घटना की जानकारी अपने आला अधिकारियों को दी। जानकारी मिलते ही सीओ कटघर शैलजा मिश्रा भी मौके पर पहुंची और वहां लगे कैमरों को चेक कराया गया, जिसमें घटना करने वाले व्यक्ति की फुटेज देखी गई। घटना करने वाले का कुछ चेहरा सामने आया है। जब हमारी टीम ने दुकान स्वामी सुभाष से बात की तो उसने बताया कि मैं करीब रात्रि 8 बजे अपनी दुकान पर बैठा हुआ था, तभी एक व्यक्ति ने मेरे ऊपर सुतली बम से हमला कर दिया जो कि मेरे पहचानने में नहीं आ सका और मेरे हाथ में भी चोट लगी है। मेरी दुकान में जो काउंटर रखा हुआ है उसमें भी काफी बड़ा मुकाला हो गया है, जिसकी सूचना मैंने तुरंत ही थाना कटघर को दी। तुरंत ही मौके पर चौकी इंचार्ज कृष्ण कुमार और कटघर थाना प्रभारी आए, तुरंत ही मुझे इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया और उसके बाद हमारी टीम ने घटनास्थल के सामने एक परचून की दुकान स्वामी बबलू से बात की तो उन्होंने बताया कि मैं अपनी दुकान पर बैठा हुआ था कि अचानक ही एक बड़े धमाके की आवाज सुनी तो मैं तुरंत ही दुकान से निकलकर देखा तो हमारे सामने वाली दुकान जो कि टेंट की है उसमें दुकान स्वामी सुभाष के हाथ में चोट लगी हुई थी और काउंटर में काफी बड़ा सुराग हुआ था। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि तुरंत ही क्षेत्र के लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। ये साहब ऐसा था, मैं यहीं दुकान में था तो मैं मोर्टिन जलाने के लिए स्टैंड ढूंढ रहा था। उसके बाद जो है वो बंदा इधर उनने झांका, उसके झांकने बाद यहाँ चौराहे पे आया और चौराहे पे आने के बाद में उनने तुरंत ही जो था दुकान में को झांका, दुकान में को उनने देख दाख के यूँ करके और तुरंत ही जैसे मैं झुका हूँ जब ही उनने जो है बाहर से हमला जो है मेरे ऊपर जो है कर दिया। ये कुछ नहीं पता चला, बम टाइप का था जैसे धमाका बहुत तगड़ा हुआ है। तब मैंने जब देखा मैंने सोचा चार्जर फट गया दिखे, तो जब चार्जर मैंने देखा अपने चार्जर वाले मैंने गया, मैं अपने लौंडे को मैंने पता नहीं बच्चे लगा के चल जाना, मैंने चार्जर फट गया दिखे मैंने गया। उसके बाद में जब मैंने देखा मेरे खून वून निकलने लगा मैंने यार ये क्या हुआ, फिर मैंने काउंटर देखा तब मुझे एहसास हुआ मैंने कहा किसी ने बाहर से हमला करा मेरे ऊपर। मैंने क्या बजे की घटना ये है, करीब 8:45 के बीच की बात है। पुलिस क्या बजे आ गई? पुलिस 8 बजे करीब आ गई है। कल रात की घटना है तो मुकदमा लिख दिया पुलिस? हाँ मुकदमा लिख दिया है। कुछ पता चल पाया कौन? नहीं अभी कुछ पता नहीं चल पाया है, मगर उसकी जो है देख रहे हैं हम भी। कोई पुरानी दुश्मनी किसी से? नहीं वैसे ऐसी कोई पुरानी दुश्मनी कोई ऐसी नहीं है। तो अचानक ही हमला कर दिया? हाँ हाँ। तो बम कैसा था कुछ ये मैंने कुछ देखा नहीं साहब, जो है जो मैं आपको बता सकूं बस जितना मैंने आपको देखा है उतना ही मैंने आपको बताया। बत्ती भागी हुई थी। किसी की गिरफ्तारी करी है पुलिस ने अभी? नहीं अभी कुछ नहीं। राजे धमाका हुआ है, धमाके पीछे मैं इनके दुकान की तरफ ही भागा, मेरा पता नहीं का धमाका हुआ। मैंने सवाल से पूछा मैंने क्या हुआ, बोले दुकान में किसी ने बम फोड़ा। क्या बजे की घटना है ये? 8:10 की बात है। 8:10 की बात? हाँ 8 के आसपास की बात है। पुलिस कितनी देर बाद आती है? 15-20 बाद आ गई, 15-20 मिनट बाद। जब आप दुकान पे आए तो इनकी तो क्या देखा था आपने? मैंने देखा कि इनके जो काउंटर सुराग है और अंदर तक मतलब वो बिखरा पड़ा था, सामान भी बिखरा पड़ा था। क्या लगता है जब बम वगैरह था? नहीं बम का तो खैर मुझे पता नहीं था, मतलब फेंका जो तड़क छेद हो गया तो कुछ बम नहीं होगा। धमाका कितना धमाका हुआ? तेज था यही तो एकदम भागा दुकान से। हां धमाका बहुत तगड़ा था और लोग भी जी बहुत जने इकट्ठे हो गए। फिर बाद में बहुत दूर तक से आया था, बहुत दूर तक जो है आवाज ये मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं तो सामान दे रहा बच्चों को। कुछ चिंता मेरी परचूनी की दुकान है जी। कौन सी जगह है ये? कड़क बेट से आ रही।